नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, इन्फो एज नौकरी ये शेयर जिस तरह से तेजी दिखा रहा है दोस्तों, ये जबरदस्त और अनप्रेसिडेंटेड रैली है दोस्तों, ठीक है। और इस शेयर ने पिछले एक महीने की हम बात करें तो लगभग 26% का दोस्तों रिटर्न दे चुका है ये शेयर। लेकिन भाई, ऐसा क्या चेंज हो गया है इन्फो एज में कि इतनी अचानक से कई समय कंसोलिडेशन के बाद ये एक पूरा स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है दोस्तों। स्ट्रक्चरली जब मैं चेंज है बोल रहा हूँ तो अपने बिजनेस में दोस्तों इसके टेक्निकल में चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और जो रैली है दोस्तों, ये बहुत ऊपर तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है नौकरी के शेयर में कि इतनी भयंकर तेजी आपको दिखाई दे रही है? तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। मतलब जो नौकरी को दिए गए अभी नए टारगेट्स हैं, ठीक है, वो हो गया, और जो इनके बिजनेस रैशनल है दोस्तों वो भी, प्लस जो जो ये शेयर है दोस्तों नौकरी, उनकी उनके तरफ जो उनके एक और कंपनी की आईपीओ जिनकी अब बातें हो रही है जो सामने आने वाली है, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हर एक चीज में चर्चा होगी और क्या इस रैली में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए, सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। और अभी से वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं सीधा दोस्तों इन्फो एज में। आप देखिए दोस्तों, 8.43% की आपको तेजी दिख रही होगी इसमें, 8.43% की तेजी। और ये दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बहुत जबरदस्त तेजी है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर लूं दोस्तों कि ये जो रैली है ना दोस्तों, ये एक्चुअल में बहुत ही स्ट्रांग रैली लगती है मुझे। ये वोडाफोन आइडिया, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया दोस्तों वोडाफोन आइडिया के ऊपर, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आपको प्लीज देखना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक, और उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चल अब बात करते हैं इन्फो एज की। इन्फो एज दोस्तों जो ये भाग रहे ना दोस्तों, ये कोई प्रॉब्लमेटिक, मतलब कोई न्यूज आ गई हो या किसी इंडेक्स में ऐड हो गया हो या एफ एंड ओ में आ गया हो, इस रीजन से नहीं भाग रहा दोस्तों ये। आप देखिए कि ये लगभग एक महीने में 25% ज्यादा का रिटर्न दे चुका है दोस्तों, ठीक है। और इसके बहुत सारे रीजन है दोस्तों। सबसे पहला रीजन है, आप देखिए ये टारगेट देखिए, ICICI सिक्योरिटीज ने इसके टारगेट दोस्तों 8040 कर दिए हैं, ठीक है, 8040। मतलब करंट मार्केट प्राइस से भी आप मान के चले 20-30% ऊपर दोस्तों, ठीक है, इतनी बात तेजी होने के बावजूद, है ना। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करें, आप पूछे कि भाई क्या रैशनल क्या है इनकी तेजी का, तो भाई इनका मानना है कि द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स अ शार्पेंड अप इंक्रीज इन जीवन साथी पेड इन लिस्टिंग एज वेडिंग रिस्ट्रिक्शंस इज एंड मोस्ट ऑफ द अप्रॉक्सिमेटली 17 मिलियन डिफर्ड वेडिंग, ठीक है, कम इन टू प्लानिंग पाइपलाइन। जो जीवन साथी है दोस्तों, उसके पेड जो सब्सक्रिप्शन है उस पर बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो काफी समय से शादी रुकी हुई थी दोस्तों, और अब जब कोविड की सिचुएशन ईजी हो रही है उस पर बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों। दूसरा है द रोबस्ट वॉल्यूम स्पाइक एट 99 acres एंड जीवन साथी शुड कम अलॉन्ग विथ EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी सरप्राइजिंग द स्ट्रीट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप जब कहा जाता है ना दोस्तों कि उसमें स्टार्टअप इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, जितना उसके डरावने नतीजे हो सकते हैं ना अगर वो स्टार्टअप फेल हो गया, वैसे ही बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं अगर उसकी अच्छे रिजल्ट आ जाए दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जोमैटो दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपसे दोस्तों एक एक करके बात करूंगा कि जो इन्फो एज में जो रैली है वो क्यों है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, द नंबर वन रीजन जो मुझे लगता है वो है जोमैटो, ठीक है। जिस तरह जोमैटो भाग रहा है ना दोस्तों, उसे वैल्यूएशन मिल रही है और आने वाले समय भी सारे ब्रोकरेज हाउसेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप देखेंगे कि ये जो रैली है इन्फो एज में, ये जारी हो सकती है दोस्तों। बीच में करेक्शन आएगा, मैं ये नहीं कहता कि अब बस शुरू रॉकेट बन जाएगा शेयर, ये रॉकेट नहीं बनते दोस्तों। शेयर गिरावट आएगी, करेक्शन आएगी, 5%, 7%, शायद 10% की आ जाए, 15% की आ जाए, लेकिन कहते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट हो जाना, तो अब इन्फो एज की एक लॉन्ग टर्म स्टोरी दोस्तों इंटैक्ट हो गई है। कैसे? जोमैटो दोस्तों तबाही मचाई दिया है, इनके अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, ठीक दोस्तों। दूसरा है ना, जो सेकंड रीजन मुझे लगता है वो है जॉब। जॉब में जो ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों जॉब हायरिंग्स में, और जो डेटा निकल के आ रहा है उसका सीधा बेनिफिशियरी है जीवन साथी नौकरी.com,
ठीक है। इन्फो एज की दोस्तों Nokia.com हो गई, जबरदस्त वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, पेड सब्सक्रिप्शन बढ़ने की चांसेस है दोस्तों, और जिस तरह से हायरिंग चालू है दोस्तों आईटी इंडस्ट्री में, Nokia.com में मतलब जबरदस्त रैली आई है दोस्तों, और वॉल्यूम ग्रोथ भी हो रही है, इस कारण इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन हो रहा है दोस्तों, इन्फो एज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नौकरी मिल गई, अब शादी की बात करते हैं कि भैया बिना नौकरी को शादी मिलती नहीं है। तो तीसरी चीज दोस्तों जीवन साथी, ठीक है जीवन साथी। तो जो जीवन साथी है दोस्तों उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ब्रोकरेज है या एनालिस्ट, उनका कहना है कि भाई जो मैरिजेस रुकी हुई थी अब वो होंगी, और जिसके कारण आप पेड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि दोस्तों अगर आपका जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है वो इंक्रीज होता है ना, उसके बाद ही आप शादी की सोचते हो, और जिस तरह हायरिंग हो रही है, ये प्रैक्टिकल चीज दोस्तों, जिस तरह हायरिंग चालू है दोस्तों, प्लस जो शादियां रुकी हुई होंगी वो भी अब शादी होगी, और आजकल दोस्तों कोविड तो है, लोग ट्रैवल ज्यादा आजकल ऑनलाइन जीवनसाथी.com ये सबसे ज्यादा हायरिंग करते हैं, और यही कारण है कि भाई अब जीवनसाथी.com एक बहुत ही अच्छा, एक बोलते हैं ना दोस्तों ट्रस्टेड सोर्स हो गया है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने शादियां करवाई हैं वो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स हो गया है, इसीलिए जीवन साथी के पेड सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाले हैं और उनके वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है दोस्तों। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि इन्फो एज इतना जबरदस्त रैली कर रहा है, और ICICI सिक्योरिटीज ने भी दोस्तों लगभग 8000 की दोस्तों क्या दी हुई है, 8000 का टारगेट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, शादी हो गया, अब क्या करें, अब भाई घर भी लेना पड़ेगा। तो जो चौथा रीजन दोस्तों, फोर्थ जो रीजन है वो दोस्तों 99 acres, हाँ दोस्तों 99 acres आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं की है, उसमें भी इसकी होल्डिंग है दोस्तों। ठीक है, और अब दोस्तों जॉब मिलेगी, तो जो दोस्तों था ना कि जो लोग किराए में रहा करते थे, जो रेंटल इनकम थी वो कईयों की बहुत ज्यादा डाउन हुई थी दोस्तों, खासकर बैंगलोर जैसे एरिया में जब कोविड पैंडेमिक हिट किया था दोस्तों, बट चीजें अब ठीक हो रही हैं, चीजें ईज हो रही है। ठीक है, फिर से नौकरियां मिल रही हैं, फिर लोग वापस छोटे शहर से बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं, और 99 acres में फिर से लोगों को जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होते दिखाई दे रहा है, और सबका यही मानना है दोस्तों कि जो इन्फो एज है अब उसमें इसीलिए इंक्रीजमेंट आ रहा है, क्योंकि जो इनका 99 acres है उसमें भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्लस उसमें भी जो सब्सक्रिप्शन रहे हैं या उसमें वॉल्यूम से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और उसका सीधा उदाहरण कौन होगा दोस्तों, इन्फो एज। इसलिए लगातार चारों चीजें एक साथ पॉजिटिव हो रही है दोस्तों। ठीक है, जब पैंडेमिक हिट हुआ दोस्तों तो चारों चीजें एक साथ हिट हुई थी, और इन्फो एज का शेयर बहुत नीचे तक गया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब जब चीजें जोमैटो हो गया, सब चीजें हो गई दोस्तों, जोमैटो प्लस मैंने चार आपको रीजन, दो तीन और रीजन बताए, चौथा एक और रीजन है दोस्तों, वो शायद उतना बड़ा ना हो, एक एक्सिगो करके कंपनी दोस्तों ट्रैवलिंग की। ठीक है, एक्सिगो करके कंपनी, शायद उसकी स्पेलिंग ये है EXIGO, ये भी अपना आईपीओ ला रही है दोस्तों। ठीक, वो कंपनी भी अपना आईपीओ ला रही है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी दोस्तों इन्फो एज होगा, क्योंकि उसमें भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसलिए दोस्तों अब हर एक चीज एक साथ हो गई है, और अब शेयर भाग रहा है दोस्तों। ठीक, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, आप देखो भागने के बाद आप ले सकते हैं, कंपनी बुरी नहीं है, आपको रिटर्न आखिरी में कमा के ही देगी, लेकिन अच्छा रिटर्न दोस्तों तभी आता है जब आप एक अच्छी कंपनी को बुरे समय में खरीदे। ठीक है, जब इसका बुरा समय चल रहा था, 3500 ये 4000 के आसपास कुछ पहुंचा था, 3800 आसपास गया था, तब भी मैं कहा था खरीदो, बल्क में मत खरीदो, एक एक दो दो खरीदो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए उसके बाद इसे भागना ही था दोस्तों, क्योंकि ऐसी कंपनी जो डिजिटली इतनी स्ट्रांग है और आने वाला फ्यूचर ही डिजिटल है, तो उसमें कैसे फायदा नहीं होगा इन्फो एज को। ठीक है दोस्तों, ये रीजंस थे वो इन्फो एज के भागने के, कल क्या हो नहीं पता, लेकिन फ्यूचर इंटैक्ट है दोस्तों, गिरावट होती है, एक्यूमुलेट करना चाहिए, छोटे छोटे अकाउंट, छोटी छोटी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी जिसका जो फ्यूचर है मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट दिखता है, क्योंकि जिन बिजनेसेस में है दोस्तों वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों Nokia.com के ऊपर, इन्फो एज के ऊपर, क्योंकि ये क्यों भाग रहा है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।